मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। प्रज्ञा अभी जी? अभी पूरब सर बिजी है, वो आपको बाद में फोन करेंगे। ओके थैंक यू। अपने बॉस से बात करी थी? उसका कोई फ्रेंड था, कह रहा था कि अभी पूरब नहीं है, बाद में फोन कर लेना। जल्दी अंदर आ, घर पे बहुत काम है। फ्रेंड? क्या करता है भाई तू बिना फोन क्यों उठाया? अगर कोई होता दूसरी लाइन पे काम। चिल मार यार, जानता हूँ किसी फैन टाइप को हटा रहा होगा मुझसे मिलने से। ऐसे सारी लड़कियां मरती है मुझ पर, किस किस को रोकेगा? और ये लड़की तो सपने भी नहीं सोच सकती कि इसकी बात अभी से हो रही है। प्रज्ञा अलग तो नहीं, ओए तेरी होने वाली बीवी तेरा इंतजार कर रही है, मार खाने का टाइम आ गया बेटा। आप बजट की बिल्कुल भी चिंता न करें दीदी, अब हमने आपके हॉल में इतनी सारी पार्टियां की हैं, तो ये शादी भी अपने ही घर की शादी जैसे खर्च पे होगी। चलो जी, फिर मेनू तो तेरा ठीक हो गया ना, सेट हो गया, मैं जाके फूल वाले को देखती हूँ। ओ भाई फूल वाले, तू पहले मेरी बात सुन। जो पिछली दफा फूल लगाए थे ना, उसके आधे कर देना, हमें कोई बगीचा नहीं सजाना है। आप बता दीजिए आपको कितने किलो फूल चाहिए? दाल मखनी में ना मक्खन बराबर रखिएगा, और ये मूंग की दाल का हलवा देसी घी में। वो टेलर कब आ रहा है? सारे कपड़ों के फिटिंग्स कराने, सारे काम बाकी है अभी भी। भाभी जी आप बिल्कुल मत घबराइए, और आ नहीं रहा, आ रही है। अच्छा। मैंने उसे फोन कर दिया, आती होगी। डिम्पी हाजिर है आंटी जी। चलो जल्दी सब लोग अपने अपने कपड़ों के नाप दे दीजिए। शाबाश डिम्पी, तू आ गई, देगी आंटी जी कितनी परेशान हो रही है। चल अब तेरी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। हमारा भी नाप ले लो ना डिम्पी आंटी। कौन बदतमीज है, दिखाई नहीं देता, किससे बात कर रही हो? अरे अरे आप तो नाराज हो गए। हाँ ये सब क्या है? इस घर में कपड़ों का नाप देने से पहले अपनी आंखों का टेस्ट करवा लो। किस एंगल से मैं तुम दोनों को आंटी दिखाई देती हूँ? सॉरी नाप माफ भी कर दो और हमारा नाप ले लो। चलिए 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 चलिए, अरे चलिए ना। अरे आ गई तो डिम्पी, जा जाके फटाफट प्रज्ञा दीदी को बुला ला, जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा इस बदमाश को हटा दिया, खामखा मेरा बैलेंस बिगाड़ दिया था। और कप्पू तुझे मैंने कहा था कि चूड़ा लेके आ, तू लाया? मैं लाया हूं, मैं देखता हूं अंदर है। आ जा। नहीं चलना। अरे लो प्रज्ञा आ गई। देख सबसे पहले ना तू प्रज्ञा का ही नाप ले ले, क्योंकि वो दुल्हन है, उसके कपड़े सबसे पहले बनने चाहिए, बाकी सबके उसके बाद। आप लिख लो इसमें। हां आ जा बेटा। कैसे हो? बस ठीक ठाक। डीके ड्रेस को रेडी होने में कितना टाइम लगेगा डिम्पी आंटी? अपनी उम्र से 2-3 साल ही बड़ी उम्र की लड़की को कोई आंटी बोलता है क्या? समझ में नहीं आता तुम्हारे मतलब। आप बुलबुल से सिर्फ 2-3 साल बड़े हो, फिर तो आपको प्रज्ञा दी को दीदी बोलना चाहिए, वो तो आपसे बड़ी है ना, है ना डिम्पी आंटी? मेरा मतलब दीदी जी। वैसे आपकी एज क्या है? अभी तो 25 शुरू हुआ है मुझे। पिछले 8 साल से 25 साल की है। कितनी वेल मेंटेन्ड है फिगर तो देखो। देखिए लड़कियां तुझे नाप नहीं लेने देंगी, तू एक काम कर, तू ना प्रज्ञा के कमरे में चली जा, वहाँ जाके उसका अच्छे से नाप लेना, और फिर बाद में इन दोनों का भी ले लेना। हाँ ठीक है आंटी, सबको एक साथ में मत भेजेगा, एक एक करके भेजेगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आए हाय फुलझड़ी दे नखरे थे देखो, और पता नहीं कपू किधर गया, वो उसको चूड़ा लेने भेजा था मैंने। मैं देखती हूँ, अदी तू नाप देने जा, मैं देखती हूँ मामा जी को। नहीं 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 तुम दोनों नाप दो, मैं देखता हूँ। अरे कहाँ रख दिया, वो कल ही तो मंदिर से लेकर आया था, ये चूड़ा भी ना पता नहीं कहाँ चला गया, बैग में देखता हूँ। बड़े आए हैं शादी के कपड़े बनवाने वाले, इनकी तैयारियों पे ब्रेक ना लगा दूं तो। क्या कर, छोड़ो इसे। ये तेरे पास कहाँ से आया? लाओ इधर दो। तूने क्या रखा है? और ये तेरे पास कैसे आया, और तूने चोरी की है? ये अक्कू भी ना सुनता नहीं, कितनी बार कहा ले जाओ इसे, लेकिन नहीं। ओ मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ मैंने ही चुराए हैं ये गहने। तूने चोरी की है? और तू चोर कब से हो गई? मेरी बहन के घर पर डाका डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा और इस सुरेश ने जो हमारे घर पे डाका डाला, उसने जो हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनी, मैं उसकी खुशियों की आरती उतारूं? और चुप कर, कुछ नहीं किया सुरेश ने, तूने मना किया था प्रॉपर्टी लेने से। इस सुरेश ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस याद रखना तू। कैसी औरत है, सुरेश की गलती की वजह से
तू अपनी भांजी की खुशियों पर डाका डाल रही है। पर मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं अभी बाहर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, सबको दिखाता हूँ ये। छोड़ो, बढ़िया देने वाले, चलो निकल लो। छोड़, ये मेरा है, मुझे दे दो। सुरेश, अच्छा किया पुत्र तू आ गया। देखी ना तूने मेरी औरत की हरकत। ले जा बाहर और बता दे उनको कि किस सपोली को पाल रहे हैं वो लोग। मुझे मालूम है पुत्र तू नाराज है, पर इसकी वजह से प्रज्ञा पर नाराज मत होना, पर उसकी तरफ से मन मेला मत करना। इस औरत को तो सजा मिलनी चाहिए, और ये दिलाएगा तू। ये ले और ले जा बाहर, सबको बता दे इसके रंग। अम्मा जी देखिए, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। सब इस चोरी की वजह से परेशान थे, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर थोड़े में गुजारा कर रहे हैं और सब खुश। और इस खुशी के माहौल में अगर उन्हें मामी जी की हरकत के बारे में पता चलता है तो सब दुखी हो जाएंगे, और मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। क्या कभी बहुत मुश्किल से बहलाया है। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। मामी जी को सबके सामने शर्मिंदा करने से क्या होगा। ये पैसे और जेवर लौटाने का कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे। मामी जी पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शक हुआ तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। थैंक यू पुत्र, दीदी सही कहती थी, तू हीरा है पुत्र, हीरा। मामी जी वो दादी चूड़े के बारे में पूछ रही थी। मैं लेके आता हूँ पुत्र। थैंक यू। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, मुझे प्यार हुआ भी तो इतने अच्छे इंसान से। कितनी फिक्र है इसे हमारी खुशियों की। सुरेश, आज जो ऐसा तुमने मेरे परिवार पर किया है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। क्यों बढ़ गया? क्या तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया? तुमने भी तो मेरी खातिर अपनी नौकरी छोड़ी थी। प्लीज इसे एहसान मत समझो, ये बंधन है शादी का। मुस्कुराता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। मैं परिंदा बेसबर था, उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। ओ गॉड, आपने देखा उस औरत को कितना शो ऑफ कर रही थी, एज इफ कि सिर्फ उसे ही बार्गेनिंग आता है। बट आपने अच्छा जवाब दिया उसे। नहीं रच्चू, उस टाइम तो मैंने कह दिया, लेकिन अब सोच रही हूँ कहीं उन्हें बुरा लगा होगा तो। अरे बुरा लगे तो लगे, आगे तो सुधर जाएगी ना वो। दीदी दीदी दीदी, फुग्गा लोगे 5 रुपए का? नहीं चाहिए, आगे चलो। अरे दीदी एक मिनट, ये लो फुग्गा, नहीं चाहिए। नहीं नहीं दीदी, माँ बोलती है मुफ्त का पैसा कभी मत लेना। माँ से कहना दीदी ने दिए हैं, लो। फिर तो माँ और गुस्सा करेगी कि उनकी बेटी से पैसे तो लिए लेकिन फुग्गा ही नहीं दिया। ये लो दे दो एक फुग्गा। ये लो। वाओ भाभी, हार्ट शेप बलून। आपने भैया को कभी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया ना?
अगर आप ये दोगे तो भैया तो खुशी से फूल ही उठेंगे। अरे अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। I'll call you back. ये किसका दिल मुझ पर आ गया? चलो आई गया तो रख ले, तो किसी फैन का होगा। दादी इससे पूछने की जरूरत नहीं है, 10 साल पहले इसने मुझे कमिट किया था कि जो मैं कहूंगा वही करेगा, और मैं जानता हूं ये मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। ए पूरब, ये पैसे तो अपने पास रख। कैसे पैसे? अरे ये मेरे पहले गाने की कमाई है। तू नया बिजनेस शुरू करना चाहता था ना, इससे तू अपना नया बिजनेस शुरू कर। नहीं यार, ये तेरी पहली कमाई है, तेरे पैसे यार, मैं कैसे? पागल हो गया पूरा? हम दोनों के बीच में मेरा तेरा कहाँ से आ गया? तू जानता है दादी आलिया और तेरे अलावा मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। और ये पेंडेंट तू अपने पास रख, ये तुझे हमारी दोस्ती की याद दिलाता है। बट ये तो तेरा फेवरेट पेंडेंट है। तू भी तो मेरा फेवरेट है, और तू जानता है मैं तुझसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करता। क्या ज्यादा प्यारा है तुझे पूरा, मोहब्बत या दोस्ती? तुझे किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। किसे चुनेगा? इस दिल का क्या करेगा पूरा, क्या करेगा? क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही है? लगवा लेती किसी से। दी, अब तो तेरे दोनों हाथ बंधे हुए, अब तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। करना क्या है मुझे? तू उनको छू नहीं सकती, उनका हाथ पकड़ नहीं सकती। चुप कर, बच्ची है। सॉरी, मेरी बारी आने दे, फिर बताऊंगी तुझे। अच्छा, दुल्हन की तो लंबी जबान होती जा रही है। बारी जावा। चुप कर। ए बुबुल, ले, तू अभी तक मेहंदी लगा रही है? सबने मेहंदी लगा के फारिग हो गए और तू अभी तक बची हुई है। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो सुरेश को खाना पहुंचाना था ना, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं जाती हूँ। दी, तेरे दोनों हाथों पे मेहंदी है, तू कैसे जाएगी? और दिवाला तो तू खिला नहीं पाएगी। एक काम करती हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ लाइए, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। अरे थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, दीदी को अभी भी छेड़ रही है। डांटते रहो मुझे बस। हाँ, तुझे तो थप्पड़ भी लगाऊंगी मैं। हाँ, मैं पड़ोस की बेटी हूँ ना। अरे मैं हॉल होकर आती हूँ, देख कर आती हूँ सारा ऐसा। ठीक है माँ। लवली, किचन से ना वो शक्कर और नींबू ले। अरे मामी जी, कितने सुंदर लग रहे हो आप, ये सूट कितना सुंदर है और ये लिपस्टिक। मेरा काम करेंगे? हाँ, बोलना बोलना। टिफिन ना सुरेश को देकर आइए ना, वो क्या है ना, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगानी है। वो लवली अगर चली गई तो मेरे हाथों में मेहंदी कौन लगाएगा मामी जी? आज तुझे टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना। टूटता तारा? हाँ, तुझे तो बड़ा शौक है ना टूटते हुए तारे से विश मांगने की। उस दिन भी ढूंढ रही थी। अरे दी, उस दिन वो टूटता हुआ तारा नहीं था, वो तो स्टूपिड लैंप पोस्ट था, तू भी जानती है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है ना, कि स्टूपिड से लैंप पोस्ट ने ही तेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। तू टॉन्ट मार रही है? किस बारे में बात कर रही है तू? प्यार के बारे में। क्या हुआ, कुछ छुपा रही है ना तुम मुझसे? नहीं क्या? बुलबुल, तू कुछ बताना चाहती है मुझे? बताना तो चाहती होती, तो फिर बताना। तू सही कहती थी,
मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। मैंने जो चीज मांगी थी ना वो मुझे मिल गई। मैं ऑफिस गई और फिर बस और प्यार हो गया। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? मुझे शर्म आ रही है। नहीं फीली है? हमारी बुलबुल और वो भी शर्माना सीधे। दी तो छेड़ मत ना मुझे। मैंने कहा था ना ये मेरी बारी आएगी तब बताऊंगी। अच्छा ये बता ये सब कब हुआ कैसे हुआ? मेरा मतलब है तू तो उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थी। कहती थी आई हेट हिम। फिर मैं भी नहीं जानती थी। चली तो मैं उसे हेट करनी थी लेकिन पता नहीं मुझे कब प्यार हो गया उससे। और तू जानती ना ये सब इतना जल्दी हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं तुझे दी। अरे मेहंदी सॉरी सॉरी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बुद्धू शर्मा रही है। अच्छा सुन ये पूरा ये अच्छा लड़का तो है ना? मेरा मतलब है अभी रच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। देख हर लड़का सुरेश की तरह नहीं होता ना जिसे अपनी जिम्मेदारी का इतना एहसास हो। मैं सब समझती हूँ दी। मैं जानती हूँ सुरेश बहुत अच्छा लड़का है लेकिन लेकिन पूरा भी इतना बुरा नहीं है। अच्छा तो अब उसकी तरफदारी भी हो रही है। अच्छा ये सब छोड़ मुझे मिलना है उससे। कब मिलवाएगी? हाँ मिलाती हूँ ना बाबा लेकिन तो प्रॉमिस कर तो उसकी क्लास नहीं लेगी उसका इंटरव्यू नहीं लेगी और उसे परेशान नहीं करेगी और डांटेगी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बाबा प्रॉमिस बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी उसे बहुत अच्छे से बात करूंगी। अब तू मिलवा दे। कितना अच्छा लगता है ना जब जिंदगी में मोहब्बत मिल जाती है जब सारे सपने सच हो जाते हैं। सारे सपने सच हो गए सचमुच। क्या कर रहे? कुछ नहीं प्रज्ञा को देख रहा था। देख तू सबको बेवकूफ बना सकता है मुझको नहीं। तूने प्रज्ञा को यकीन दिलाया कि तुझे उससे प्यार है शादी कर रहा है तू? तुझे क्या लगता है मान है तू? हाँ सही कदम उठा रहा है? अब अपने दिल से पूछ उठाने देगा सही कदम तुझे? सूट नहीं करता तुझे ये। अब से समझा रहा हूँ यार कि संभल नहीं तो प्रज्ञा का दिल तोड़ेगा तू। आज नहीं तो कल या 10 दिन बाद नहीं तो 2 महीने बाद या साल भर बाद कभी किसी दिन तो तेरा दिल कहेगा कि नहीं सुनी दिमाग की अब बस। प्रज्ञा समझ जाएगी कि तुझे उससे प्यार नहीं है तो भाई आज जाकर बोल दे। जब बोल प्रज्ञा से तू उसे नहीं चाहता कि नहीं है वो तेरी पसंद बोल दे भाई बच जाएगा। सुरेश प्रज्ञा से प्यार नहीं करता। अरविंद कौन है? यहां तो कोई नहीं है। लेकिन आवाज आई थी ना जैसे कुछ गिरा हो। पर यहां तो कुछ गिरा भी नहीं हुआ। बिल्ली होगी शायद। बिल्ली बोला मुझे बड़े आए ऐसा मजा चखाऊंगी ना। अब मुंह क्यों छुपा रहा है? मुंह छुपाने से क्या सच बदल जाएगा? अबे अपना चेहरा देख 3 दिन में शादी है तेरी और ये उतरा चेहरा बता रहा है कि कितना रेडी है तू उसके। मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ अरविंद। अच्छा इसीलिए तूने बुलबुल के नाम सारी कमाई कर दी? क्या FD बनवा दी उसके लिए? अब बोलना प्रज्ञा के लिए किया ये सब या बुलबुल के लिए? भाई जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए करते हैं ये सब। बस कर अरविंद मैं उस घर में सिर्फ एक को चाहता हूँ ठीक है? और बाय द वे FD ना सिर्फ मैंने बुलबुल के लिए बनाया बल्कि रच्चों के लिए भी बनवाया था और मैंने तुझे इसके बारे में बताया था। यार मुझे मत सिखा ये सब। मैं जानता हूँ इस खिड़की पे खड़े रहकर किसको देखता रहता है तू। सालों से देखता आ रहा है कि किसी तरह उसकी एक झलक मिल जाए। मुझे बता रहा है पूरी बात तो सुननी ही पड़ेगी। अबे तूने शादी के लिए हाँ बोली क्योंकि तुझे लगता है कि तू प्रज्ञा की जिंदगी बनाएगा लेकिन सॉरी तू उसकी जिंदगी खराब कर देगा। तुझे ऐसा लगेगा कि तूने सही किया लेकिन मेरे भाई सही चीज वो नहीं है जो जो दुनिया के लिए की गई हो। सही चीज वो होती है जो किसी इंसान के साथ सही हो।
और प्रज्ञा के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो जो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता समझता है। देख तू देख, वो तेरी दोस्त है भाई, तेरा प्यार नहीं है। दोस्त में प्यार ढूंढने का शायद मिल जाए, लेकिन तब तक नहीं जब तक दिल में कोई और बसाओ। या दोस्ती को जबरदस्ती प्यार का टैग मत लगा। तुझे क्या लगता है, मतलब क्या ये फिल्मी कुर्बानी, ये सब त्याग करने से क्या हो जाएगा? मान बन जाएगा तू? नहीं क्या, अगर तेरा प्यार नहीं मिलेगा तो प्रज्ञा मर जाएगी, क्या होगा? यार प्यार अधूरा रह जाए तो इंसान फिर भी जी ले, लेकिन जब प्यार ना हो और साथ रहना हो तो जिंदगी बहुत सुनी हो जाती है। अब जब तेरी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढने की वो उसे सिर्फ दोस्ती नजर आएगी ना, तो जो उसका दिल टूटेगा उसे तू जोड़ नहीं पाएगा। तो सुरेश प्रज्ञा से प्यार नहीं करता, किसी और से करता है। वाह, क्या खबर मिली।